नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो आज है फ्राइडे, आज आप सबको मिलेंगे आपके सवालों के जवाब। कोशिश मैं करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दे पाऊँ, आप सबके जितने भी सवाल हैं सबके जवाब दे दूँ। लेकिन कुछ एक रह जाते हैं तो वो नाराज़ भी होते हैं कि मैम आपने मेरे सवाल का जवाब तो लगता है देना ही नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं सबके जवाब देने की कोशिश करती हूँ, स्क्रीनशॉट भी लेती हूँ, लिख कर भी रखती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ एक रह जाते हैं। तो प्लीज़ आप बुरा ना माने, नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर उनके जवाब देने की कोशिश करूँगी। लेकिन आपका जो भी सवाल हो आप उसे बार बार लिखकर मेरे को बताते रहें, कई बार दिमाग से निकल भी जाता है। तो चलिए चलते हैं कि पहला सवाल कौन सा है। सब्सक्राइब करें चिको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पहला सवाल है गोपाल जी पेंटिंग वर्क्स का, जिन्होंने पूछा है कि मैम 7 दिन होते हैं जिसके हिसाब से हम कान्हा जी को ड्रेसेस पहनाते हैं, तो आप डेज के हिसाब से कलर बताएं। वैसे तो आप कोई भी कलर किसी भी दिन पहना सकते हैं, लेकिन अगर आपको डेज के हिसाब से ही पहनाना है, ऐसा करने से एक फ़ायदा होता है कि जो सारी ड्रेसेस हैं वो पहनाई जाती हैं। बात करते हैं मंडे की, मंडे को आप पहनाएं उन्हें वाइट कलर की, ट्यूसडे को पहनाएं उन्हें ऑरेंज कलर की, वेडनेसडे को ग्रीन कलर की, थर्सडे को येलो की, फ्राइडे को पिंक कलर की, सैटरडे को ब्लू या ब्लैक, संडे को आप उन्हें पहनाएंगे रेड कलर की। तो मैंने सारे डेज के हिसाब से आपको ड्रेसेस बता दी हैं। वैसे आपका जो दिल चाहे वो ड्रेस आप ठाकुर जी को पहना सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है पल्लवी पूजा का, उन्होंने पूछा है कि मैम गोपाल जी को हम जिस दिन लाते हैं उस दिन जन्मदिन मनाएं उनका या जिस दिन उनका हवन करें। तो जिस दिन हम उनका हवन करते हैं, जिस दिन उनकी हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, हमें उनका जन्मदिन उस दिन ही मनाना है। वो इसलिए क्योंकि पहले तो हम उन्हें जब लेकर आते हैं उस वक्त तो हमारे लिए वो एक मूर्ति ही होती है। जब हम उनकी पूजा करके उनमें प्राण डाल देते हैं अपने भावों से, तो वो एक विग्रह बन जाता है, उसके अंदर हमारे भाव आ जाते हैं, हमारा प्यार आ जाता है। तो हम जिस दिन उनका हवन करेंगे उसी दिन उनका जन्मदिन आपको मनाना है। फिर क्वेश्चन आता है ठाकुर आर्यन का, उन्होंने पूछा है कि हमारा घर छोटा है तो क्या हम कान्हा जी के लिए अलग मंदिर लाएं। तो ऐसा तो नहीं है कि कान्हा जी के लिए आप अलग मंदिर बनवाएं। अगर आपका घर छोटा है, एक रूम है या दो रूम है, तो आप ठाकुर जी के लिए एक सिंहासन लेकर आएं, उन्हें टेबल पर बिठाएं, जहां आप बैठते हैं पूरा दिन उन्हें भी वहीं अपने साथ बिठाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उनके लिए अलग से मंदिर बनवाना होगा। फिर क्वेश्चन आता है शुभम माझी का, उन्होंने पूछा कि हमारे ठाकुर जी हैं वो पीले थे अब काले हो गए हैं। तो मैं बार बार हर वीडियो में बताती हूँ कि आप उन्हें पीताम्बरी से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि मैम पीताम्बरी से साफ़ नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, अपने अपने भाव हैं, लेकिन जब वो काले हो गए हैं देखने में अच्छे नहीं लगेंगे तो फिर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप मार्केट से बूरा लेकर आएं, दही बूरा और शहद इन तीनों को मिक्स करके एज ए स्क्रब बनाएं। तो ठाकुर जी पर जब आप उसका स्क्रब बनाकर लगाएंगे, हल्के हाथों से रगड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जो पीतल के ठाकुर जी हैं वो एकदम से चमक गए हैं और वो पहले जैसे ही हो गए हैं कि जैसे आप जब उनको मार्केट से लेकर आए थे। फिर क्वेश्चन है एंड अभिजीत का, उन्होंने पूछा कि आपने अपने जो राधा कृष्ण का विग्रह लेकर आए थे वो कहाँ से लिया था। तो मैंने उन्हें जयपुर से लिया था। और उनके जो पैसे हैं, उन्होंने पूछा कि आपने पैसे कैसे दिए थे, कैश दिए थे या ट्रांसफ़र करवाए थे। तो हमने कुछ पैसे उनको कैश दिए थे जब उन्होंने हमें ये मूर्तियाँ ला कर दी थी, और कुछ पैसे हमने ट्रांसफ़र करवाए थे। फिर क्वेश्चन आता है काजल सिंह का, उन्होंने पूछा कि जन्माष्टमी का व्रत हम कब कर सकते हैं और कितने साल तक कर सकते हैं। तो जन्माष्टमी का व्रत आप किसी भी जन्माष्टमी से शुरू कर सकते हैं, जन्माष्टमी साल में एक बार ही आती है। तो आप किसी भी साल की जन्माष्टमी पर यह व्रत शुरू करें और कितने साल मर्जी करें, ये आपकी इच्छा है। जब आपको छोड़ना हो तो आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं भी पहले करती थी लेकिन बीच में मैंने काफ़ी साल छोड़ दिया था। लेकिन अब से फिर से मैं काफ़ी साल से ये व्रत कर रही हूँ और इसका कोई उद्यापन नहीं होता। आप इस व्रत को कर भी सकते हैं, और जब आपकी इच्छा ना हो या आपकी तबीयत ठीक ना हो तो आप इस व्रत को छोड़ भी सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आया है राधे श्याम जी का,
उन्होंने पूछा है कि मैं माला जाप करना चाहती हूँ, कौन सा मंत्र का जाप करूँ और कितने टाइम तक करूँ और कितनी माला फेरूँ। तो देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि कितने टाइम फेरनी है, कितने टाइम नहीं फेरनी माला। हाँ, ये बता सकती हूँ कि आप जाप कौन सा कर सकते हैं। अगर आपने किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली है, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु मंत्र देते हैं, तो अगर आपने दीक्षा नहीं ली है तो आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकती हैं, हरे रामा हरे कृष्णा का जाप कर सकती हैं। माला आपकी इच्छा है, जितनी मर्जी फेरिए, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है, मैं कोई माला फेरती नहीं हूँ और कोई ये नहीं कि कितनी माला फेरती हूँ। जब भगवान हमें बेहिसाब देता है तो हम उसका नाम गिन कर क्यों ले, उसे भी हम बेहिसाब ही पूजा करें, अपने मन में हमेशा उन्हें याद करते रहें, हमेशा उनका जाप करें। तो ना तो उन्होंने मुझे गिनकर दिया है, तो ना ही मैं गिनकर उनकी पूजा करती हूँ। मेरा कहना तो यही है। बाकी आपकी इच्छा कि आपने एक माला करनी है, पांच करनी है, तीन करनी है, सात करनी है, नौ, ग्यारह, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी माला करनी है। फिर क्वेश्चन आता है सुरेंद्र सिंह जी का। उन्होंने पूछा है कि मैम, मैं कौन सी माला पहनूं और उसमें कितने मोती हों। पहली बात तो आपने मुझे ये नहीं बताया कि मैं कौन सी माला पहनूं। अगर आप तुलसी माला की बात कर रहे हैं तो तुलसी माला में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको 108 मनकों की माला पहननी है या गोल मन के हों। आप वृंदावन जाएंगे, आपको बहुत अच्छी अच्छी माला मिल जाएंगी, आप कोई भी लेकर पहन सकते हैं। इसमें कोई गिनती वाली नहीं है कि आपको छोटे मन के पहनने हैं, बड़े पहनने हैं या 108 मन के की पहननी है। 108 मनकों की माला तो सिर्फ जब हम जाप करते हैं हमें उसी के लिए चाहिए होती है। फिर आरती रस्तोगी जी ने पूछा है कि मैम, क्या गोपाल जी को हर हफ्ते पंचामृत से स्नान करवाना जरूरी होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग तो डेली पंचामृत से स्नान करवाते हैं, ये आपकी इच्छा है। आप 15 दिन में, जैसे एकादशी आती है, आप एकादशी के दिन पंचामृत से स्नान करवाएं या किन्हीं त्योहारों पर पंचामृत से स्नान करवाएं, इसमें कोई ये ज़रूरी नहीं है कि डेली आपको पंचामृत से ही स्नान करवाना है। ये टोटली आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। फिर क्वेश्चन आता है दिव्यांशी गोयंका का। वो भी काफ़ी बार कमेंट कर चुकी थी कि मैम, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देती हैं। उन्होंने कहा कि मैम, एक गिलहरी तीन बार हमारे गोपाल जी की ड्रेस कहीं से लेकर आती हैं, क्या हम उन्हें पहनाएं या ना पहनाएं। तो ये तो आपकी इच्छा पर है और आपका विश्वास है कि अगर वो आपके गोपाल जी के लिए लेकर आई है, वो भी जब कि अगर आपके गोपाल जी की वो ड्रेस पूरी आ रही है। कई बार ऐसा होता है कि गोपाल जी तो तीन नंबर के हैं, लेकिन ड्रेस वो कहीं से गुलहरी लेकर आई है, वो ड्रेस है 8 नंबर के गोपाल जी की। तो पहले तो आप ये देखें कि वो ड्रेस आपके गोपाल जी के पूरी आ भी रही है या नहीं। अगर वो पूरी आ रही है तो हो सकता है कि ठाकुर जी ने खुद ही अपनी ड्रेस मंगवाई हो कि चलो मेरी ड्रेस ले आओ, मुझे यही ड्रेस पहननी है। तो टोटली ये आपका विश्वास है, आपका भाव है। फिर एक क्वेश्चन जयपाल जी ने किया। उन्होंने पूछा कि मैम, आप शॉपिंग कहाँ से करती हैं। तो मैं बार बार बता चुकी हूँ, कई बार पहले भी बता चुकी हूँ, मैं शॉपिंग दिल्ली से रानीबाग से करती हूँ और दुकान का नाम है चड्डा स्टोर और गुरुद्वारे वाली गली में उनकी शॉप है। फिर अंकुश अग्रवाल जी ने पूछा है कि मैम, हम गोपाल जी के गुल्लक के पैसों का क्या करें, या कोई आपके गोपाल जी को पैसे देकर गया है उन पैसों का क्या करें, या गोपाल जी आपके घर आए हैं तो क्या हमें उन्हें पैसे देने हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को थे। तो इसमें यह है कि अगर गोपाल जी आपके घर रहने आए हैं तो आपको उनको थोड़े बहुत पैसे देने चाहिए, कि जैसे एक बच्चा घर आता है और जाता है तो उसे पैसे दिए जाते हैं। वैसे तो हम भगवान को क्या दे सकते हैं, क्योंकि जब उन्होंने हमें सब कुछ दिया है तो हम तो इस काबिल है भी नहीं कि हम भगवान जी को कुछ दे सकें। लेकिन ये आपकी श्रद्धा है, आपका भाव है कि जैसे कोई बच्चा घर में आता है किसी का, तो जब हम उसे वापस भेजते हैं उसके घर या वो लेकर जाते हैं तो हम उन्हें पैसे देते ही हैं। और अगर उनके जैसे गुल्लक के पैसे हैं तो या तो आप उनकी शॉपिंग करें, उनके कपड़े लेकर आएँ, या किसी ज़रूरतमंद की हेल्प भी आप कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है रितेश अच्छलास का। उन्होंने काफ़ी बार कमेंट किया कि मैम, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब तो देती ही नहीं है। ऐसा नहीं है, आज आपके सवाल का जवाब देने की बारी आ गई है। उन्होंने पूछा है कि मैम, हमारे कान्हा जी का बाल लगाने वाला टूट गया है, क्या करें। तो ये देखिए, अगर कान्हा जी का बाल लगाने वाला टूट गया है तो उनके बाल तो नहीं लग पाएंगे, क्योंकि आप उन्हें बार बार देखकर परेशान होते रहेंगे कि ये बाल नहीं लगे हुए, मैं मुकुट नहीं पहना सकता या मैं इनको पगड़ी भी नहीं पहना सकता।
तो बेहतर यही होगा कि आप अपने कान्हा जी का विग्रह चेंज कर ले, नए ले आएं, फिर आप उनकी नए तरीके से पूजा करें, नए सिरे से, मतलब कि नए दोबारा से उनकी पूजा करें, और पुराने वाले गोपाल जी हैं उन्हीं को ही ध्यान में रखकर आप नए वालों की पूजा करें। फिर उन्होंने पूछा कि मैम आप अपनी किचन टूर पे वीडियो बनाओ, तो देखिए वीडियो बहुत सारी हो जाती हैं, इतनी जल्दी वीडियोस नहीं बन पाती हैं, तो कोशिश करूंगी आपकी ये वीडियो भी मैं जल्दी बनाऊं। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन ये भी किया था कि मैम आप राधा रानी के कर्ली बाल लगाकर वीडियो बनाएं, तो मैं मार्केट गई थी, मुझे उनके बाल नहीं मिले, जैसे ही मुझे उनके बाल मिल जाएंगे मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। फिर मुझसे क्वेश्चन किया था अर्णव राज जी ने कि उन्होंने पूछा था कि मैम हमारे गोपाल जी के बाल सेट नहीं होते, क्या करें? तो ये देखिए इनके बालों के बीच में एक होल होता है, तो इन्हें ऐसे सेट करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि ये जो कपड़ा है इसके नीचे लगा होता है, इससे ये पूरा होल कवर होता है, तो आप यहाँ कैंची से उस कपड़े को हटा दें, फिर आप इनके बाल सेट करें। एक दो बार में बाल इनके सेट नहीं होते हैं, जब आप लगातार इनको पगड़ी पहनाएंगे या मुकुट पहनाएंगे तो आप देखेंगे कि इनके बाल अपने आप धीरे धीरे सेट होने लगेंगे। और फिर जब आप इन्हें मुकुट पहनाएं, एक दो क्वेश्चन ये भी थे कि मैम गोपाल जी के जो बाल है वो ख़राब हो जाते हैं, तो ये देखिए इनके बाल जो हैं जब हम इन्हें मुकुट पहनाते हैं तो आप ध्यान रखें कि वेलक्रो जो है वो इनके बालों पर नहीं लगनी चाहिए। अगर वेलक्रो इनके बालों पर लग जाएगी तो इनके बाल खराब होंगे ही होंगे, तो आप कई बार मुकुट में वेलक्रो ज़्यादा होती है तो आप उसी हिसाब से काटें कि जो इनके पूरे बालों तक आ जाए, ना कि वो वेलक्रो इनके बालों में चिपके। फिर क्वेश्चन किया था सूर्या द्विवेदी जी ने, उन्होंने पूछा था कि मैम आपके जो हनुमान जी हैं मंदिर में आप उनकी मूर्ति दिखाएं। तो ये देखिए ये उनकी मूर्ति है, ये पंचमुखी हनुमान जी हैं, इन्हें मैं दिवाली के दिन लेकर आई थी। दिवाली के दिन पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लाना बहुत ही शुभ होता है, तो मैं 2-3 साल पहले दिवाली पर लेकर आई थी, और ये कितने की आई थी मुझे कोई पक्का इसका आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी 450 या 350 के करीब थी ये। तो ये थे आप सबके सवालों के जवाब, मैंने तो आज ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देने की कोशिश करी, तो आप आगे भी अपने कमेंट्स देते रहें, अपने सुझाव देते रहें कमेंट बॉक्स में जाकर, आपको कौन कौन सी वीडियो चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज तो आप सब बहुत खुश होंगे कि सबकी सवालों के जवाब मैंने दे दिए। आगे भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सबके सवालों के ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने की कोशिश करूँ। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, फेसबुक पर चीको रेसिपीज़ को फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर भी चीको रेसिपीज़ को फॉलो करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद, हरे कृष्णा।